आप देख रहे हैं स्ट्रीट बस न्यूज और मैं हूं प्रतिमा सा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बापू सभागार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत एक दिवसीय उन्मुखीकरण और प्रथम किस्त वितरण समारोह में शिरकत कर 4000 से अधिक लाभुकों को किस्त की राशि सौंपेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने यही सब तबके के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार करें ताकि लोग लाभ ले सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ऐलान किया है कि वो विशेष राज्य के दर्ज की मांग को लेकर अभियान शुरू करने वाले हैं। गांव-गांव जाकर यह डिमांड किया जाएगा कि विशेष राज्य को दर्जा दो। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो तेजी से विकास होगा। कहा कि केंद्र सरकार कोई काम नहीं कर रही, कोई मदद नहीं मिल रहा। अगर स्पेशल स्टेटस मिल गया तो बिहार के पिछड़े लोगों का 2 सालों में ही विकास होगा। वहीं मीडिया को अड़े हत्थों लेते हुए कहा कि मीडिया वाला हमारा छापता नहीं, केंद्र ने मीडिया पर कब्जा कर लिया है। हम सही जाते हैं, घूमते रहते हैं तो बच्चा फोटो लेकर के हमको लेते रहते, तो हम सबको बताते रहते हैं कि पुरनका दरबार को भी जाना, हालांकि सब हम लोग पहचान लेते हैं। तो है तो जितना भी काम किया जा रहा है प्लीज आप उसके लिए और राज्य सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है उसके लिए सब जगह जा जा करके लोगों को बताइए और तेजी से अधिक लोग इसका लाभ लें। और बहुत अच्छी संख्या है कि 8000 लाभुकों जो 23-24 में सभी वर्गों के 8000 लाभुकों तथा इस वर्ष से शुरू हुए अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के 1,247 लाभुकों को मिलाकर 9,247 लाभुकों का चयन कर लिया गया। हम तो आग्रह यही करेंगे कि ये काम तेजी से होना चाहिए। भाई देखिए मेरी इच्छा था इसका जरा ठीक से प्रचार दे रहे हैं तो कोई भी काम करिएगा तो कितना फायदा होगा। ऐसा कभी होता था? बोलिए शुरू करते हैं, इतना सबको मदद दे रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि सब समूह लाभ लीजिए और खूब आगे राज्य सरकार जो करती है उसका पब्लिसिटी बेचारे को करना पड़ता है। आप तो जानते हैं सर सबका शुक्र है बात लेकिन अब करे क्या कब्जा कर दिया है, इसलिए हम कर रहे हैं कि कितना ज्यादा लाभ दिया जा रहा है, सब लोगों को लाभ दिया जा रहा है। अब प्रचार कितना होगा, केंद्र वाला थोड़ा बहुत भी किसी को काम करता है तो उसी का खूब छपा, लेकिन हम लोग तो कह रहे हैं हर डिपार्टमेंट ज्यादा करके और सारे डीएम और सब विभाग के लोगों को एक एक इलाके में जाकर के देखिए कौन लाभ दे रहा है, किसको कमी है और ज्यादा लाभ देना है, हर जगह पहुंचाइए। राज्य सरकार को चाहती है लड़का हो या लड़की, कोई जात के हो, किसी भी धर्म के हो, सब इसका लाभ ले और खूब आगे बढ़े। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए
इसमें फायदा देने के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया गया। अब यहाँ पर बैठे हुए अमीर सिंघानी है, तो इनको तीन डिपार्टमेंट समझे हुए, एक डिपार्टमेंट इनको ही, तो इसी समय में इनको हमने कहा तो ये काम कर रहे थे, तो ये सब जितने लोग भी थे उस समाज के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, तो इसको रोजगार ऋण योजना, तो ये जो शुरू कराया गया था उसी समय से, तो उनको तो लाभ नहीं, उसको ऋण लिया जाता था कि भाई ये काम करिए, तो उसमें भी बहुत लोग लाभ ले रहे थे। तो हमने कहा कि भाई हमने तो तय कर दिया है, अब जो जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं तो आखिरकार उसमें तो कोई सुनता है नहीं, दर्शक बिहार में भी कोई स्थिर नहीं है, तो जब हमने शुरू कर दिया था अति पिछड़ा, तो उसमें तो हमने अति पिछड़ा किया ही था, हमने कहा इसका लाभ लेंगे मुस्लिम लोग भी, और बाद में जो हमने ये काम शुरू कर दिया शासन, तो उसी के अंतर्गत उनके लिए वही सुविधा दे देंगे। तो यानी जो लोग भी है अपर क्लास के लोग और पिछड़े वर्ग के लिए, उनको जो लाभ मिलेगा 5 लाख रुपए का अनुदान, 5 लाख रुपए का अनुदान आप 1% का, और बाकी अति पिछड़े को तो मिलता है 5 लाख का अनुदान और 5 लाख रुपए का ऋण भी मिलता है बिना कोई इसके 0%। और महिलाओं का जो हम लोगों ने तय किया कि कोई भी समुदाय की महिला होगी उन सब लोगों को ये लाभ मिलेगा 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ऋण, जिसमें कि कोई एक पर पर 0%, तो वो समूचा माइनॉरिटी के लिए भी किया गया। तो अभी हमने सोचा कि शुरू हो गए, लेकिन अब इसी बार में शुरू कर रहे थे तो पता चला कि उस डिपार्टमेंट पहला क्या जो बुलाए थे काहे बैठे हैं, पटना में नहीं है बाहर गया है, आगे के जिस दिन आएगा पटना में बुलाएंगे क्या जब किए थे काहे काहे बैठे हैं, डिपार्टमेंट में था कि ठीक है सर हम ही कर देंगे यही काम हमने ठीक है, तो फिर इनके डिपार्टमेंट को उद्योग विभाग को कहा कि ठीक है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बज न्यूज, धन्यवाद।